हेलो गाइस, मैं यूट्यूब चैनल बारिया बैक जंक्शन में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं एक्टिवा में फ्रंट ब्रेक, जो लेफ्ट साइड का फ्रंट ब्रेक केबल आता है, वो चेंज करने वाले हैं। तो चेंज करने का रीज़न मैं आपको दिखा देता हूं। तो चेंज करने का रीज़न ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से वायर उसका टूट गया है। तो हम ये लेफ्ट साइड का फ्रंट ब्रेक केबल चेंज करने वाले हैं। तो फ्रंट ब्रेक केबल को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें ये कवर को निकालना पड़ेगा। तो कवर को निकालने के लिए दो स्क्रू यहाँ और दो स्क्रू यहाँ पीछे आता है, वो हमें निकालना पड़ेगा। इसके बाद हमें ये वाइज़र निकालना पड़ेगा। तो वाइज़र को निकालने के लिए एक चार स्क्रू यहाँ, एक दो और तीन और चार, चार स्क्रू यहाँ और एक स्क्रू आगे आता है। तो मैं सबसे पहले मैं यह वाइज़र और ये कवर को मैं निकाल लेता हूँ। तो गाइस, हमने ये वाइज़र और ये कवर को दोनों को निकाल लिया है। इसके बाद हमें ये कवर को खोलना पड़ेगा। तो ये कवर खोलने के लिए तीन स्क्रू आते हैं, तो हम ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये तीनों बोल्ट को खोल लेते हैं। गाइस, हमने ये तीनों बोल्ट को खोल लिया है, तो हम ये कवर को बाहर निकाल लेते हैं। गैस, हमारा ये कवर बाहर निकल गया। तो गैस, हमारा ये रियर ब्रेक का वायर है और ये हमारा जो हम चेंज करने वाले हैं वो फ्रंट ब्रेक के फ्रंट ब्रेक का वायर है। तो हम ये रियर ब्रेक प्रेस करते हैं तो एक साथ दोनों ब्रेक लगती है। तो हम ये चेंज करने वाले हैं वायर को हम निकाल लेते हैं। गाइस, हमने ये यहाँ से वायर को छुड़वा लिया है, अब हम नीचे से भी वायर को छुड़वा लेते हैं। गाइस, हम यहाँ नीचे से भी वायर को से बाहर निकल लेते हैं। तो हमारा ये वायर बाहर निकल गया नीचे से। तो गाइस, हमने ये दोनों साइड से वायर को छुड़वा लिया है, अब हमें इसको खींच के इसको वायर को बाहर निकाल लेना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमने ये वायर को बाहर निकाल लिया। गाइस, हमारा ये नया ब्रेक केबल है और इसकी प्राइस 130-140 के आसपास आपको कहीं भी स्पार्ट की शॉप पे मिल जाएगा। तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो गाइस, हमने वायर को जहाँ से हमने निकाला था उसी जगह से हमें वापस उसको डालना है। तो गैस, हमारा वायर यहाँ तक आ गया है। इसके बाद हमारे मजगट के पीछे एक होल आता है, उसके अंदर हमें वायर को डालना है। गैस, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से वायर को डाल दिया। इसके बाद हमें यहाँ से नीचे वायर केबल को हमें खींच लेना है। गाइस, इसके बाद हम ये ऊपर वायर को फिटिंग कर लेते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं हमने ये यहाँ वायर को फिटिंग कर लिया है। इसके बाद हमें नीचे वायर को फिटिंग कर लेते हैं। तो गाइस, हमें इसके बाद हमें ये नीचे वायर को फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ बीच में एक डिस्टन आती है और इसके अंदर एक स्प्रिंग आती है, वो स्प्रिंग को हमें फिर लगा देना है। इसके बाद हमें ये नट को टाइट कर लेना है।
गाइस मैंने ये अपनी मर्जी से हिसाब से मैंने ये ब्रेक को टाइट कर लिया है, तो मैं आपको व्हील घुमा के ब्रेक लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अब हमारे ब्रेक कंप्लीट केबल चेंज हो गया है। तो ये केबल राइट साइड का केबल है, जो हम ये फ्रंट ब्रेक राइट साइड का केबल आता है वो है। तो गाइस मैं अब सभी चीज़ों को मैं फटाफट से मैं फिट कर लेता हूँ, ये वाइजर, ये कवर और ये आगे कवर सब मैं फिट कर लेता हूँ। तो गाइस हमने ये सभी चीज़ों को फिट कर लिया है और हमारा ये ब्रेक केबल भी चेंज हो गया है। तो गाइस हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और आप हमारी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।